तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 16 ऑफ द रियल सुपर हीरो फैक्ट्स। भाई आज इस वीडियो में बस सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अनाउंस की गई मार्वल की फेस 5 और फेस 6 मूवीज और सीरीज के बारे में बात करेंगे। और हाँ, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे शॉकिंग रिवील्स किए गए हैं कि आप लोग अब तक फेस 4 में रिलीज हुई सारी मूवीज को भूल जाओगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्वल की फेस 5 की मूवीज और सीरीज के अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फेस 5 की सबसे पहले मूवी होगी एंटमैन एंड द वास्प ऑफ क्वांटम जो कि रिलीज होने वाली है फरवरी 17, 2023 में। इसके साथ ही इसका फर्स्ट पोस्टर भी रिलीज किया गया है, जिसमें हम एंटमैन और वास्प के साथ साथ कैंग का फर्स्ट लुक और किसी नए कैरेक्टर का फर्स्ट लुक देख सकते हैं। इस मूवी में इस कैरेक्टर का रोल कैथरीन न्यूटन प्ले करने वाली है और इसकी कॉस्ट्यूम डिजाइन देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये यंग एवेंजर से स्ट्रिंगर या फिर स्टैचर का कैरेक्टर प्ले करने वाली है। इसके साथ ही कॉमिक कॉन में जब इसकी कास्ट इस मूवी के बारे में बात कर रही थी, तब जोनाथन मेजर जो इस मूवी में कैंग का रोल करने वाले हैं, वो एंटमैन से पूछते हैं कि यू आर एन एवेंजर, हैव आई किल्ड यू बिफोर। इसके इस बात से आप लोग समझ सकते हो कि इसने कितनी बार टाइम ट्रेवल किया होगा और उन टाइम ट्रेवल्स में मल्टीवर्स के कितने सारे एवेंजर्स को मारा होगा। इसके साथ ही हम एक इमेज देखते हैं जिसमें स्कॉट लैंग एक बुक पढ़ रहा होता है जिसको उसने खुद लिखा होता है। अगली सीरीज है सीक्रेट इन्वेजन जो की 2023 के विंटर में स्ट्रीम होने वाली है। जब इस सीरीज की कास्ट इसके बारे में बात करने आई तो उन्होंने कहा है कि ये सीरीज एकदम क्रेजी होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन कौन है और कौन किसको मार रहा है। अगली मूवी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। ये मूवी 5 मई 2023 में थिएटर्स में रिलीज होगी। इसके डायरेक्टर जेम्स गन ने ये बात कंफर्म कर दी है कि ये मूवी उनकी इस फ्रेंचाइज का एंड होगा। मतलब ऐसे सब लोग इस मूवी में मारे नहीं जाएंगे, पर हाँ, इसके बाद मार्वल में हमें गार्डियंस की कोई भी सोलो मूवी देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही इस मूवी से हाई रिवोल्यूशनरी का फर्स्ट लुक सामने आया है, जिसका रोल चुकुडी यूजी, सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, प्ले करने वाले हैं, जो कि एक सॉर्ट ऑफ विलन टाइप का कैरेक्टर है। और इस मूवी में कॉस्मो द स्पेस डॉग भी दिखने वाला है, जिसके पास टेलीपैथी की पावर होती है, जिसको मारिया बेकलोवा आवाज देने वाली है। अगली सीरीज है इको जो कि 5 मई 2023 में रिलीज होने वाली है। इसके ठीक बाद लोकी सीजन 2 आ रही है, जिसको 2023 के समर में रिलीज किया जाएगा। और इसके आए दिन सेट से नई इमेजेस लीक होती रहती है, जिनको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कवर किया है। फेस 5 की अगली मूवी है द कैप्टन मार्वल 2 यानी द मार्वल्स, जो कि 8 मई 2023 में रिलीज होने वाली है। इस मूवी में हमें कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और मोनिका रैम्बियो का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। अगली मूवी की बात करें तो वो है ब्लेड, जो कि 3 नवंबर 2023 में हमें देखने को मिलेगी और इसकी शूटिंग इसी साल अक्टूबर में स्टार्ट होने वाली है। फेस 5 की अगली सीरीज है आयरन हार्ट, जिसमें हमें डोमिनिक थ्रोन जो रीरी विलियम्स यानी आयरन हार्ट का रोल प्ले करते हुए दिखने वाली है। ये सीरीज हमें 2023 के एंड में देखने को मिलेगी। आगे बात करें तो नेक्स्ट है अगाथा कॉवन ऑफ चाओस सीरीज, जो 2023 या 2024 के विंटर में रिलीज की जाएगी। पहले इस सीरीज का नाम अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस था, पर अभी इसका नाम बदलकर अगाथा कॉवन ऑफ चाओस रखा गया है। अगली सीरीज है डेयर डेविल बॉर्न अगेन, जिसके लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये सीरीज 18 एपिसोड की होने के साथ साथ इसको 2024 के विंटर में रिलीज किया जाएगा। और अभी हाल ही में रिलीज हुए शियल के नए ट्रेलर में भी हमें डेयर डेविल का कैरेक्टर दिख गया है। और फेस 4 खत्म होगा कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और थंडरबोल्ट मूवी के साथ। और ये मूवीज 3 मई 2024 और 28 जुलाई 2024 में रिलीज होने वाली है। अभी कुछ फेस 6 मूवीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ऑसम होने वाली है। मार्वल के इस फेस 5 में कुछ मूवीज है जो हमें दिखाई नहीं गई, पर मैं किस लिए हूँ, मैं बताऊंगा कि वो मूवीज कौन सी हो सकती है। पर पहले इन मूवीज के बारे में बात कर लेते हैं। फेस 6 में पहली मूवी होगी फैंटास्टिक 4, जो कि 8 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। अगली दो मूवीज है जिनके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, जो है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। तो सबसे पहले एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी 2 मई 2025 को रिलीज होने वाली है और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर 7 नवंबर 2025 को रिलीज होगी। अगर आपको पता नहीं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर क्या है, तो इससे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से कंपेयर कर सकते हो, पर ये इवेंट उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है, जहां एक यूनिवर्स के एवेंजर दूसरे यूनिवर्स के एवेंजर्स के साथ फाइट करते हैं और इसमें हर एक एवेंजर शामिल होता है, लिटरली हर एक। तो आप समझ सकते हो कि ये एंड गेम से भी कितनी बड़ी मूवी होने वाली है। तो अभी फेज 6 में ना दिखाई गई मूवीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनमें शायद एवेंजर्स इटर्निटी वॉर्स, कैप्टन अमेरिका रेड व्हाइट एंड ब्लैक, नोमैड, सेलेस्टियल एंड ऑफ द टाइम मूवीज हो सकती है, जिनकी इमेज हाल ही में लीक हो गई थी। इस कॉमिक कॉन में
कुछ मूवीज के ट्रेलर भी अनाउंस किए गए हैं, जैसे कि सियाल का नया ट्रेलर और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, जिसमें हमें फाइनली नेमोर का कैरेक्टर देखने को मिला है जो कि एक एंटी विलन होने वाला है। मैं इनके ट्रेलर्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हो। देखो, ये जो मूवीज और सीरीज की रिलीज डेट है वो आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि ऐसे हमने पास्ट में भी देखा है। पर इससे अलग जो कांड इन्होंने फेज 4 में किया है अभी वो भूल जाओ, क्योंकि जैसे इन्होंने फेज 5 और फेज 6 अनाउंस किया है उससे मार्वल अभी एक लेवल अप होने वाला है, और मैं इन सारी मूवीज और सीरीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इन मूवीज और सीरीज के लिए कितने एक्साइटेड हो। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।